नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है फिर से नए वीडियो में दोस्तों। और आज तारीख है 29 दिसंबर 2023 और आज ही के दिन आ रहे हैं अपने गृह ग्राम सनावल में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम जी। तो उनके स्वागत के लिए देख सकते हैं कितना भीड़ उमड़ा पड़ा हुआ है। और आगे का क्लिप देखिए जिसमें कि वो जिनमें उनका फूलों से बारिश कर स्वागत किया जा रहा है। करता हूं सम्मानीय मोहनदास सिंह। आज ग्राम सरावल के पवित्र धरती पर इस क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग को पता है कि 10 साल से नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई दुख पीड़ा नहीं होगा। जिस हिसाब से हमारे माननीय राम विचार नेता जी इस क्षेत्र को चमका है और माता की सबका विचार भारत माता की बोले भारत माता की सब कोई तनी मुट्ठी बांधा। बहुत ही क्षेत्र में भूत प्रेत लगत बा। 5-10 साल में बहुत दैया डाइन हमन जब भूत प्रेत भेजने पड़ा। वो लोग के निकासी करना जरूरी है ना। अब ये अनुप तिवारी जी निकासी करे वाला उपाय कर दिए बताए। आप लोग सब कोई मुट्ठी बांधे हैं, बजरंग बली की मुट्ठी बांधिए। बोले बजरंग बली की भारत माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। साथियों आज तीसरा दिन है सरगुजा में। जब से हम आए हैं सब कोई थोड़ा सा 2 मिनट हम निकले स्टेशन के बाद लोग इतना उल्लास के साथ उमंग के साथ मोबाइल चारों तरफ सवेरे से लेके रात तक चल रहे लोग के अगाध प्रेम लोगों का इतना बड़ा आशीर्वाद इस क्षेत्र के जनता दिया। सरगुजा के क्षेत्र के जनता इस जिले के तमाम सारे क्षेत्र से लोग का आशा उम्मीद राम विचार नेताम के ऊपर है। और इस क्षेत्र के माता बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान सब लोग मिलके हमारे बूथ स्तर के एक एक कार्यकर्ता अध्यक्ष सचिव से लेके शक्ति केंद्र के तमाम सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग मंडल से लेकर के जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता बहन भाई लोग महिला मोर्चा से लेके किसान मोर्चा से लेके हमारे एसटी मोर्चा के सभी मोर्चा के लोगों ने तमाम धमकी चमकी के बाद भी तरह तरह के प्रताड़ना झेलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और राम विचार नेताम के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे। ऐसे ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता और देव
माता दुर्गा स्वरूपा माताएं बहने हमारे, उनको मैं शीश नवा के मैं प्रणाम करता हूँ। विनम लोग के आशा उम्मीद पे हमारी सरकार बन गया है। आप लोग जिसको बनाए, विधायक जिसको बनाए, उसको सरकार में महत्वपूर्ण जगह में शामिल कर लिया गया है। मतलब कोहरम के पहुंच, आप लोग का पहुंच अब यही नहीं, सीधे जो है मुख्यमंत्री तक हो गया है, मुख्यमंत्री तक, सरकार तक हो गया, मतलब मुख्यमंत्री तक हो गया। और इसलिए गरीबों के साथ न्याय होगा। गरीबों को जो सताया है, गरीबों को जो परेशान किया है, जबरिया लोगों को राजनीतिक धौसबाजी के आधार पर हमारे लोगों को परेशान जो किए हैं, अब ऐसे हमारे प्रताड़ित हमारे साथी लोग सीना तान के अब निकले, सीना तान के अब उनको डरने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन गया है। ये जो बरगद का झाड़ी रहे कांग्रेस के सरकार में, और ओकर जो है यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता उखाड़ के फेंक दिए। मोदी जी केंद्र से, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद के आधार पर हमारी सरकार बनने के साथ ही गरीबों के लिए 18 लाख मकान देने का स्वीकृति दे दिया गया। तो दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है और मैं निकल रहा हूँ अब यहाँ से। मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।